नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मोदी कैबिनेट के मंत्रियों को विभाग सौंपे जाने के बाद वित्त मंत्रालय ने राज्य के वित्त को सहारा देने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 के लिए राज्यों को कर हस्तांतरण की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की घोषणा की है। जून महीने के लिए राज्यों को जारी की गई कुल राशि अब 1,39,750 करोड़ रुपए हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस निर्णय का उद्देश्य राज्य को उनके विकास परियोजनाओं और पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। वित्त मंत्रालय की इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने अभी अभी राज्यों को करों में बड़ी हिस्सेदारी देने की घोषणा की है। निसंदेह यह एक तिहाई प्रधानमंत्री के इशारे पर किया गया है। जयराम रमेश ने कहा कि राज्यों को करों में हिस्सेदारी गैर जैविक मूल के लोगों द्वारा किया जा रहा कोई विशेष उपकार नहीं है, वे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित संवैधानिक अधिकार है। कांग्रेस नेता ने आगे तंज कसते हुए कहा कि यह तीसरे दर्जे का पीआर है जो राज्यों को वैध रूप से मिलने वाली राशि को प्रसाद के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा से उनका कोई भी सहयोगी खुश नहीं है, अभी तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी नाराज होंगे। आनंद दुबे ने आगे कहा कि श्रीरंग बारणे कह रहे हैं कि चिराग पासवान, जिनके पास केवल 5 सांसद हैं, उन्हें कैबिनेट मिला है। उद्धव गुट के नेता ने कहा कि मैं श्रीरंग बारणे से कह देना चाहता हूं कि ये भाजपा है जो गुलाम पसंद करती है, मित्र नहीं। ज़्यादा बोलोगे तो ईडी सीबीआई पीछे छोड़ देंगे। ये नई भाजपा है, इसके सामने आंख मत दिखाइए, इसके सामने आंख झुकाइए। मोदी कैबिनेट में विभागों के बंटवारे पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वे किसे कौन सा विभाग देते हैं, लेकिन जिस बिहार की वजह से वे प्रधानमंत्री बने हैं, उसी बिहार के लोगों को जब मंत्रालय दिया गया तो कहीं ना कहीं झुंझुना थमा दिया गया। आरजेडी नेता ने कहा कि इस बार बिहार निर्णायक भूमिका में है। नीतीश कुमार व बाकी लोगों को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करनी चाहिए। इसके साथ ही पूरे देश में जाति आधारित गणना करानी चाहिए। इस बार पीएम मोदी इधर उधर बोलकर निकल नहीं सकते क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत भूमिका में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कल सोमवार को नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम के दौरान कई मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से लेकर चुनावों के दौरान प्रतिस्पर्धा पर भी टिप्पणी की। मणिपुर को लेकर मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर पूरे एक वर्ष से शांति की राह देख रहा है। उन्होंने कहा कि उससे पहले 10 साल वहाँ शांति रही, ऐसा लगा पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया है, लेकिन अचानक वहाँ पर हिंसा बढ़ गई। मणिपुर उसकी आँख में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। आरएसएस प्रमुख ने पूछा कि कौन उस पर ध्यान देगा, प्राथमिकता देकर उस पर विचार करना ये कर्तव्य है। मणिपुर की स्थिति पर प्राथमिकता के साथ विचार किया जाना चाहिए। चुनावी बयानबाजी के ऊपर उठकर राष्ट्र के सामने मौजूद समस्याओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आगे चुनावों के दौरान प्रतिस्पर्धा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रचार के दौरान एक मर्यादा का पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि असत्य का उपयोग नहीं करना चाहिए। चुने हुए लोग देश की संसद में जाएंगे और सहमति बनाकर देश को चलाएंगे। हमारे यहाँ परंपरा सहमति बनाकर चलने की है, लेकिन प्रचार के दौरान जिस प्रकार ये बातें हुई, लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे ये करने से समाज में मनमुटाव पड़ेगा, दो गुट बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। आरएसएस प्रमुख ने दो टूक ये भी कहा कि काम सब लोग करते हैं, लेकिन काम करते समय मर्यादा का पालन भी करना चाहिए, उसके काम से किसी को चोट ना पहुंचे। भागवत ने कहा कि मर्यादा ही अपना धर्म और संस्कृति है, उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया है, और वो ही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण करने के बाद कल सोमवार को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। पहले कैबिनेट की बात करें तो राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, अमित शाह गृह और सहकारिता, नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग, जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य रसायन और उर्वरक,
शिवराज सिंह चौहान, कृषि और ग्रामीण विकास निर्मला सीतारमण, वित्त और कॉरपोरेट मामले एस जयशंकर, विदेश मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर, आवास और शहरी मामले और ऊर्जा एच टी कुमार स्वामी, भारी उद्योग और इस्पात पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा जीतन राम मांझी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, पंचायती राज मत्स्य पशुपालन और डेयरी सर्वानंद सोनोवाल, बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता किंजारापू राम मोहन नायडू, नागर विमानन प्रहलाद जोशी, उपभोक्ता मामले खाद्य जन वितरण नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा जुएल उराव, आदिवासी मामले गिरिराज सिंह कपड़ा, अश्विनी वैष्णव रेलवे, सूचना एवं प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार पूर्वोत्तर विकास भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति और पर्यटन अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास किरण रिजिजू, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामले हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मनसुख मंडाविया, श्रम एवं रोजगार युवा एवं खेल मामले जी किशन रेड्डी, कोयला और खनन और सी आर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय सौंपा गया है। मोदी कैबिनेट के मंत्रियों को उनके विभाग तो सौंप दिए गए हैं, लेकिन इस बीच अब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज और तेज हो गई है। दरअसल जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपे जाने के बाद ये बात तो साफ हो गई कि अब किसी नए चेहरे को बीजेपी की कमान दी जाएगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किन चेहरों की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें पहला नाम है विनोद तावड़े। वर्तमान में वह बीजेपी के महासचिव हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके तावड़े को बीएल संतोष के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावशाली महासचिव माना जाता है। इसके अलावा बीजेपी ओबीसी मोर्चा चीफ के लक्ष्मण का नाम भी बीजेपी के अगले प्रमुख के तौर पर राजनीतिक गलियारों में लिया जा रहा है। बता दें कि लक्ष्मण तेलंगाना से आते हैं और वे तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सुनील बंसल का नाम भी शामिल है, जो वर्तमान में महासचिव हैं। साथ ही साथ वे पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और ओडिशा जैसे तीन राज्यों के इंचार्ज भी हैं। माना जा रहा है कि राजस्थान से राज्यसभा सदस्य और भैरव सिंह शेखावत के शिष्य ओम माथुर भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में हैं। वे आरएसएस के प्रचारक रहे हैं और पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात के प्रभारी भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि सशक्त और संपन्न किसान समृद्ध भारत का आधार है। सरकार की प्राथमिकता किसान का कल्याण तथा गांवों का उत्थान है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम विकसित भारत के विराट संकल्पों को सिद्ध करेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। हमारी सरकार देश भर के किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े प्रत्येक संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं अपने पूरे सामर्थ्य से किसानों के हर सपने को पूरा करने के लिए परिश्रम करूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दूसरी बार गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि मुझ पर भरोसा जताने और मुझे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री की भूमिकाएं दोबारा सौंपने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं। मोदी 3.0 में गृह मंत्रालय सुरक्षा पहलों को तेज और मजबूत करना जारी रखेगा। पीएम मोदी के सुरक्षित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए आयाम पेश करेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय सहकार से समृद्धि की दृष्टि से किसानों और गांवों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। कांग्रेस के ओडिशा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपेक्षित संख्या में सीटें हासिल ना कर पाने की पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता भक्तचरण दास ने जिम्मेदारी ली है। उन्होंने खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए ओडिशा कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामलों पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि 19 भर्तियां लीक हुई हैं, उन्हें फिर से करवाएं, लेकिन उसे गुजरात के लोगों के हाथ में मत दीजिए। पुलिस भर्ती के पेपर अहमदाबाद से लीक हुए,
अजय राय ने कहा कि जो गुजरात के लोगों को यूपी सरकार ने सारे काम का ठेका दे रखा है उसे बंद करें, जो पहले व्यवस्था थी उसके तहत काम करवाया जाए। नीट यूजी 2024 की परीक्षा के रिजल्ट पर विवाद जारी है। इस बीच एक छात्रा ने आरोप लगाया कि उनकी ओएमआर शीट के साथ गड़बड़ी की गई है। आयुषी पटेल नाम की छात्रा ने दावा किया कि उन्हें 700 से ज़्यादा नंबर आने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें फटी हुई ओएमआर आंसर शीट मिली। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने छात्रा आयुषी पटेल के इसी वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि साल दर साल इन परीक्षाओं में पेपर लीक, रिजल्ट से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। अब छात्रा के इस आरोप वाले वीडियो पर एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भी प्रतिक्रिया आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्टूडेंट आयुषी पटेल के वायरल हुए वीडियो पर बयान जारी किया है। एजेंसी ने कहा कि वायरल होते वीडियो में आयुषी पटेल नाम की स्टूडेंट ने नीट की परीक्षा में गड़बड़ी और फटी हुई ओएमआर शीट मिलने का दावा किया है। एनटीए साफ करना चाहता है कि एनटीए की आधिकारिक आईडी से कोई भी फटी हुई ओएमआर शीट नहीं भेजी गई। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक ओएमआर शीट सुरक्षित है और स्कोर बिल्कुल सही हैं। कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट से ही स्कोर कार्ड डाउनलोड करने चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि नीट का रिजल्ट सामने आने के बाद ऐसी जानकारी सामने आई जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार परीक्षा में 67 छात्रों के फुल मार्क्स आए हैं और उसमें भी गौर करने वाली बात ये रही कि एक ही सेंटर से कई छात्रों ने एक साथ टॉप किया है। अब ऐसे में नीट परीक्षा को लेकर लगातार विवाद जारी है। गजा और इसराइल में संघर्ष विराम को लेकर अमेरिका ने एक प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में पूरी तरह से संघर्ष विराम, हमास द्वारा सभी बंधकों की रिहाई और इसराइल द्वारा फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई जैसी मुख्य बातें हैं। अब सुरक्षा परिषद में पेश किए गए इस प्रस्ताव पर 15 में से 14 सदस्यों ने तो समर्थन में वोट किया, हालांकि रूस ने इस प्रस्ताव से जुड़ी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव में कहा गया है कि इसराइल इसे लेकर सहमत है और हमास से प्रस्ताव को स्वीकार करने की अपील की गई है। गौरतलब है कि हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इसराइल के दक्षिणी हिस्से में हमला किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। इस दौरान हमास ने 251 नागरिकों को बंधक भी बनाया था। अब हमास के इसी हमले के बाद से इसराइल द्वारा गजा में ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, जिसमें अब तक 37,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है और इनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।